सुशासन बाबू आपसे उम्मीद नहीं थी, खासकर बिहार की जनता को, जिसने आप पर भरोसा किया, आपको वोट दिया और आपको अपना राजा बनाया। लेकिन राजा ही प्रजा से धोखा करने लगा, सांप्रदायिक तनाव होने लगा, कई शहर बिहार के सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गए। उसके बाद भी नीतीश कुमार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। आखिरकार एक गिरफ्तारी हो ही गई। आखिरकार चाह क्या रहे थे, क्यों आपकी पुलिस चुपचाप थी, अर्जित पकड़ने में क्यों आप नाकाम दिखे? सवाल यह है, क्या नियत नहीं थी? ये सवाल उठ रहे हैं, हम नहीं उठा रहे, वहां की जनता उठा रही है, वहां के नेता उठा रहे हैं। जवाब आपको देना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। दरअसल बिहार में कई दिनों से लगातार अलग अलग शहरों में सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही है। रामनवमी का दिन था और उसके बाद हिंसाएं शुरू हो गई। आरोप लगा केंद्र में मंत्री हैं अश्विनी चौबे, उनके बेटे हैं अर्जित चौबे, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने दंगा भड़काया है। जब आरोप लग गया तो आरोपी को पकड़ा जाएगा, पूछताछ होगी, गिरफ्तारी होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जेल जा रहे थे पुलिस की गाड़ी में तो बड़े अच्छे तरीके से कह रहे थे कि वो कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, लेकिन सवाल ये है कितने दिनों तक कहां थे, पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पाई? और अब बिहार में राजनीति शुरू है। तेजस्वी यादव ने तो बड़ा हमला नीतीश कुमार पर बोल दिया है। सवाल तो ये भी उठने लगे हैं कि अब तो नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। पूरे सोशल मीडिया पर लगातार सवाल हैं, लगातार लोग सुशासन बाबू पर निशाना साध रहे हैं कि सुशासन बाबू अब कहाँ जाएंगे, अब तो बीजेपी भी आपके हाथ में है और अब दूसरा हाथ मिलाएंगे तो मिलाएंगे कहाँ? ऐसे में कहीं ना कहीं जब नीतीश कुमार ने आरजेडी का हाथ छोड़ा था, उसके बाद से अब तक मुश्किलें अब सबसे ज्यादा आई हैं। बीच का रास्ता तो वो चलते चले गए, लेकिन अब कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आए। बीजेपी का साथ कहीं मजबूरी बनती उनकी दिखी और ये पता चला अर्जित चौबे की गिरफ्तारी इतने दिनों में हुई। क्या हो गया था पुलिस को, सवाल यही है। लेकिन बात तेजस्वी यादव की, उन्होंने क्या कहा है वो आपको दिखा देते हैं कि इन तेजस्वी यादव कितने मुखर हो चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि सामाजिक न्याय व दलित पिछड़ा एकता का बीजेपी से ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार ने किया है। जिस गठबंधन में नीतीश कुमार जैसे सहयोगी हो, उसे दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। कब किसकी पीठ पे चूरा घोंप दें कुछ नहीं पता। दुश्मन सामने से लड़ता है, लेकिन नीतीश जी जैसे दिखावटी दोस्त पर्दे में रहकर घात करते हैं। एक और उन्होंने बात कई ट्वीट करके, दंगा आरोपी केंद्रीय मंत्री का बेटा मुख्यमंत्री आवास से चंद कदम की दूर मंदिर में सरेंडर करता है, उसके सरेंडर को नीतीश कुमार की पार्टी गिरफ्तारी कह रही है। कुछ शर्म करो, बीजेपी के हाथों अपनी खादी को तो दागदार करवा लिया, कम से कम खाकी की इज्जत तो मत उड़ाओ। गृह विभाग सीएम के पास है, यानी समझा जा सकता है कि पूरी तरीके से नीतीश कुमार को घेरने का कोई मौका तेजस्वी यादव छोड़ नहीं रहे। राजनीति तो उनको करनी है, लिहाजा वो कर रहे हैं और साफ शब्दों में कह दिया कि खाकी को मिट्टी में मत मिलाओ, उन पर सवाल मत उठाओ। गिरफ्तारी नहीं थी, सरेंडर था और सरेंडर को आप गिरफ्तारी बता रही हैं। यानी कि पूरी तरह से नीतीश कुमार इस वक्त कटघरे में। और सवाल यह है कि नीतीश इतने परेशान क्यों हैं? नीतीश आखिरकार चुप क्यों हैं? नीतीश कुमार आखिरकार कड़ा फैसला क्यों नहीं ले रहे? आप मुख्यमंत्री हैं, सत्ता आपके पास है और जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन आप फैसले लेंगे तो शायद जनता आप पर भरोसा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप अपनी राय दीजिए कि आपको क्या लगता है, भागलपुर के दंगों का कौन है जिम्मेदार? आखिरकार अर्जित चौबे की गिरफ्तारी इतने दिनों में हुई, क्या उसके पीछे भी राजनीति थी? अपना जवाब जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।